जनता सब देखती है और वही मालिक है, जनता ही फैसला करती, लोकतंत्र में मालिक जनता होती। जनता 2024 में जो फैसला करेगी देश देखेगा, उन्हें भी मालूम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके स्था शिवम। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुँचे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है। ऐसे में जब हमने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बात की कि जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना पहुंचे हैं, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पहले आप वो सुने। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उस समय को भी हम लोगों ने देखा था और आप सब भी देख चुके हैं, जब सारे विरोधी दल हमारे खिलाफ एकत्रित होकर के कि भाजपा को समाप्त कर दो, भाजपा के साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन उन तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए, देश में सबसे अधिक और समर्थन प्राप्त करने वाला दल बन गए, अधिक से अधिक देश में राज्यों में अपनी सरकार और गठबंधन की भी सरकार चलाने वाले हम, हमारी पार्टी बन गई। तो इस प्रकार से ये सब वो करते रहेंगे, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सब देखती है और वही मालिक है, जनता ही फैसला करती, लोकतंत्र में मालिक जनता होती और वो जानती है कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन लोग काम नहीं करने वाले हैं। वो जानती है कि इस देश में कुछ कर सकता है, कोई कर सकता है, कोई सरकार कर सकती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी के कर्तित्व को, काम करने की क्षमता को देश ने देखा है, देश के लोगों ने इसे सराहा है, दुनिया में भी उसकी सराहना हुई है। आज भारत ने जो सम्मान और जिस प्रकार की एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में देश जो हो रहा है, इसको विश्व ने स्वीकार किया है। कृषि से संबंधित क्या जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि बीजेपी को 24 में 50-60 सीटों पर सीमित किया। 24 आने दीजिए ना, 24 आया नहीं ना है, 24 भी आएगा, उसके पहले भी तो आए थे। हम लोगों ने 2014 में तो हमारा गठबंधन नहीं था, हम अकेले थे, जदयू को नहीं मालूम है क्या कि हम कितने सीट पर जीते थे, और हम अकेले अपनी बहुमत से सरकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए थे, भूल गए क्या सर? इसलिए इन सब बातों में कोई दम नहीं है, और आप सब जानते हैं, सब कुछ देखा हुआ है। हम लोगों के खिलाफ सब इकट्ठे होकर के विकास क्या कर चुके हैं, क्या कर सके हैं, हम लोगों के साथ भी रह करके और कितना हम लोगों को फायदा दिला चुके हैं, इस सब का हिसाब आप सबके पास है। अब जनता सब जानती है, वही मालिक है, और जनता 2024 में जो फैसला करेगी देश देखेगा, उन्हें भी मालूम हो जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक भी हो जाती है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।